ऐसे तो मैं बचपन से पेंटिंग के क्षेत्र में ही से ही जुड़ा हुआ हूँ। कभी मिट्टी का खिलौना बनाया करता था, कभी लकड़ी का खिलौना बनाया करता था, कभी पेंटिंग बनाया। पर आर्ट कॉलेज से पास आउट करने के बाद फुल्ली इसी फील्ड में अपने आप को जोड़ लिया, इसी में जीता हूँ। और जहाँ तक महानगर के सेल आउट की बात है, पेंटिंग को लेकर कॉमर्शियलाइज करने की बात है, वो हम लोगों से अभी तक संभव नहीं होता है, क्योंकि मैं झारखंड के एक छोटे से अर्बन एरिया में रहता हूँ, ट्राइबल एरिया में, देवघर नाम है वो शहर। कुछ हद तक रिलीजियस प्लेस है और कुछ ट्राइबल एरिया है, तो वहाँ के लोगों का जो जीवन है, वहाँ के जो कलरफुल लाइफ है, ड्राई एरिया में कलरफुल कल्चर है, वो हमको इंस्पायर्ड किया और हम अपने पेंटिंग के माध्यम से, रंग ब्रश के माध्यम से कोशिश करता हूँ जो उस चीज़ को उभारो, उस चीज़ को दिखाऊँ। जहाँ तक मॉडर्नाइजेशन की बात है, आर्ट में कॉन्टेम्प्रेरी फील्ड की बात है, वो मैं सीखा हूँ अप्लाइड आर्ट कलकत्ता से, बट वो अभी तक मुझे इंस्पायर्ड नहीं कर पाया। मैं सॉयल का जो एसेंस है उसी को अपने कलाकृति के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। कई महानगरों में प्रदर्शनी किया हूँ तो लोगों का जो हमारा काम पसंद आता है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मुंबई में पहली बार मैं अपना सोलो शो कर रहा हूँ, अगर 7 दिन तक यहाँ के लोगों को पसंद आएगा तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्राइज होगा, इनाम होगा। एक्चुअली बहुत सारा बातें ऐसी है जो मुझे लगता है जो पेंटिंग से ही वो हम दर्शा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भाषा उतना स्ट्रांग नहीं है, साउंड हमारे पास उतना स्ट्रांग नहीं है। हमारे उधर का जो झारखंड का ड्राई एरिया है, रेडी सॉयल है और रेड फ्लावर होता है, आप देखे होंगे जिसको हम लोग पलाश कहते हैं, और लोग इतने आनंदमय रहता है, इतने खुश रहता है। महानगर के लोगों से इतना, अगर इकोनॉमिकली वो बहुत गरीब है पर हर समय वो खुश रहता है, वो जो उनका जीवन शैली है, ये हमको लगता है पेंटिंग से ही सबसे सुंदर से हम दर्शा सकते हैं, ना कि साहित्य रचना से या संगीत से। नहीं, ऐसे तो वो बहुत अच्छा प्लान है, उसमें हम लोगों को भी मीटिंग में बुलाया गया था अपने अपने तरीका से उसको बढ़ावा देने के लिए, और अभी जो सरकार है वो कोशिश कर रही है जो झारखंड को देश का पहला श्रेणी में लाए, इसलिए कई कोशिश किया है। और झारखंड का जो आप लोग उधर जाएंगे तो देखेंगे उधर का जो नेचर है वो शूटिंग करने के लिए, सिनेमा करने के लिए बहुत बढ़िया है, जो हम लोग सिनेमा में अक्सर देखते हैं उससे कई गुना अच्छा है, पर वो उधर को मौका नहीं मिला। और इधर के लोगों ने वो नक्सल एरिया है, माओ एरिया है, ये सोच के उसको नेगलेक्ट करके रखा है, पर ऐसा कुछ है नहीं। थैंक यू।
मैं बचपन से फिल्म से बहुत ही मुझे लगाव था, और दिलीप साहब, देव साहब, राज कपूर साहब, तो उनका बहुत बड़ा फैन था मैं। और पहला मुझे चांस मिला फिर संगम फिल्म में, बहुत छोटा था, उसमें मुझे ड्राइंग करने का मौका मिला, और उसमें एक रुपया एक ड्राइंग का संगम फिल्म में स्केच करने का, वहाँ से मेरा स्टार्टिंग हुआ। और उसके बाद तो फिर बहुत फिल्में सागर साहब की है ना, रामानंद सागर साहब की, आरजू है ना, आए दिन बाहर के, जयम प्रकाश जी की, आया सावन झूम के, आंखें सागर साहब की, राम और श्याम, काजल है ना, तो ये अपना जितेंद्र जी की फर्ज, तो ऐसे किया। सुभाष जी के साथ जुड़ गया मैं, बॉम्बे आया, सुभाष जी के साथ मेरी जंग विधाता से लेके और लास्ट परदेश और ताल तक सुभाष जी के साथ मैंने काम किया। फिर राजकुमार संतोषी जी के साथ दामनी, दामनी के टाइटल्स और है ना, अपना गेटअप्स, अपना घातक, डिफरेंट टाइप के, अभी जैसे मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो खुशवा का गेटअप है ना, ऐसे अभी अनुपम जी को पहला फर्स्ट बड़ी फिल्म थी कर्मा, कर्मा का वो गेटअप मैंने उनको, डॉक्टर डैंग वो उनको मैं दिया। तो ऐसे डिफरेंट वर्क करता रहा। दिलीप साहब से मेरा बड़ा प्यार था है ना, दिलीप साहब बहुत प्यार करते थे, उनके साथ मैं एक फिल्म कर रहा था जो दिलीप साहब डायरेक्ट कर रहे थे, कलिंगा। तो वो अक्सर मुझे बोलते थे कि है ना, तुम अपना कुछ शो वगैरह क्यों नहीं करते हो, है इतना तुम्हारा अच्छा हाथ है ये वो, तो मुझे हमेशा दिलीप साहब बोलते रहते थे कि आप क्यों नहीं है ना एग्जीबिशन वगैरह करते। तो फिर एक मौका ऐसा आया तो मैं फिर दिलीप साहब को बताया कि ऐसे ऐसे मैं एक बुकिंग मिली है मुझे, गैलरी सेंटर होटल में थी, अपना एयरपोर्ट सेंटर महल्स आर्ट गैलरी। तो दिलीप साहब बड़ा खुश हुए, तो मैंने कहा ये आपको इनॉग्रेशन करना है, तो बस दिलीप साहब ने वो फर्स्ट इनॉग्रेशन वन मैन शो मेरा किया। और फिर आज तक फिर वो जो ऐसे स्टार्टिंग हुई इतना कि पूरे वर्ल्ड में फिर मेरी पेंटिंग को लोगों ने पसंद किया, पूरा इंडिया में हर जगह, और मतलब आज इंडिया के जो बाहर भी, इंडिया में भी जो भी आज बिग हैं सब लोग हैं बड़े जो, तो सभी के मेरे ख्याल है उनके घर में मेरा पेंटिंग लगी हुई है। तो ऐसे डिफरेंट वर्क में मैंने सब बुक कवर्स किए, हिंद पॉकेट बुक के नावल्स, निराला जी, बच्चन साहब है ना ऐसे, और टाइटल्स कवर, कैलेंडर डिज़ाइन वो, और पोस्टर डिज़ाइन, फिल्म के पोस्टर, गेटअप्स, तो डिफरेंट वर्क आर्ट में मैंने सब किया। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने मतलब जो एक रियलिस्टिक को, हाँ इतना अच्छा डिफरेंट मूड है इसमें, देखिए आदिवासी भी है और आदिवासी कल्चर है, और अपना ट्रीटमेंट भी अलग अलग ट्रीटमेंट है कलर का है ना, इसमें वाटर कलर, पोस्टर कलर और सभी टाइप का मेरे ख्याल है कलर है, बहुत अच्छा वर्क किया है। हाँ नहीं ऐसा है ना, देखिए आर्ट का तो आजकल तो मतलब बड़ी बड़ी बिग प्राइज आज आप देखते हैं रोज पेपरों में, कोई इतने करोड़ों का, मिलियन का, और ये वो है ना सब आर्ट का हो रहा है ना, पहले की तरह ऐसा नहीं है। तो आज तो मतलब आर्ट को इसीलिए, पहले तो होता था कि ज़्यादातर मतलब एक कुदरती जो गॉड गिफ्ट होती थी वो आर्टिस्ट होते थे, अभी जो ये प्राइज वगैरह का सुनकर आज हर कोई चाहता है कि भाई मेरे हमारे बच्चे जो है वो है ना आर्टिस्ट बने, पेंटर बने, एक्टर बने, सिंगर बने, है ये आर्ट में पहले ऐसे लोग नहीं आते थे, लेकिन अभी जब से ये लाखों करोड़ों की बातें होती हैं तो आज सब लोग इंटरेस्ट लेते हैं इसमें,
सब माँ बाप चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे हैं ना आर्टिस्ट पर। पवन एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, झारखंड से हैं और बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं उस लोकल एरिया में, मतलब कि पूरे झारखंड में देखेंगे तो बहुत सुंदर काम कर रहे हैं लंबे समय से, और अपना वहाँ एक आर्ट इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं और बहुत सुंदर काम उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले में किया है, और बच्चों के जो वहाँ स्कूल चलाते हैं वो भी एक एजुकेशन का काम वहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। और काम देखेंगे ना तो बड़ा आनंद फील है वर्कों में, और काफ़ी खूबसूरत जो है वर्क की वैल्यूज हैं। ब्यूटीफुल नहीं होता है, होता ये है कि हर आर्टिस्ट की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने जो काम किए हैं वो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी सराहनीय है। हाँ हाँ।